Hi kids. Hi sir. How are you? I am fine. Thank you sir. देखो कल हमने बात की थी ईंट के भट्टे के बारे में. Yes sir. वीडियो भी देखा था कल हमने ईंट का. अब देखो वो बोल रहे हैं have you seen a brick kiln? Did you try to guess the number of bricks kept there? अब हमने कल जो आपको ईंट का भट्टा दिखाया था क्या आप उसमें गेस कर सकते हो उसमें लगभग कितनी ईंटें रखी हुई थी? No, no, क्योंकि बहुत सारी थी ना तो हम गैस नहीं कर पाएंगे. अब देखो देयर आर मैनी ब्रिक किल्न्स इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ देम मोर देन 100,000. अब बोल रहे हैं कि हमारे देश में हमारा देश का नाम क्या है बताओ? भारत. ठीक है इंडिया. तो हमारे देश में क्या है कई कई हजारों क्या है ईंट के क्या है भट्टे या ईंट की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं मतलब जहां ईंटें बनती हैं. अब वो बोले कितने हैं 100,000. ठीक है कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख. अब वो बोल रहे हैं कि हमारे देश में कितने हैं 100,000 क्या है ईंट के फैक्ट्रियां हैं. अब 1,000 में कितने जीरो होते हैं? 1,000 में कितने जीरो होते हैं? 3. ये हो गया 1,000. अब वो बोल रहे 100,000. अब देखो 100. ठीक है अब बताओ क्या ये इकाई हजार दस हजार और एक लाख. ठीक है तो कितना हो गया ये 1 लाख. ठीक है तो ये नंबर है 1 लाख. क्लियर है? लुक एट दिस फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक. अब देखो यहाँ पर 2 ट्रक दिखाए गए हैं. ठीक है क्या आप गेस कर सकते हैं इसको देख के कि इसमें कितनी ईंटें रखी हुई हैं? नो इट्स वेरी टफ. ठीक है भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स. एक भजन एक आदमी है जो कि कहाँ गया है ईंटों को खरीदने के लिए गया है. द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स. द प्राइसेज वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स. अब देखो 3 टाइप की ईंटें हैं हमारे पास. ठीक है एक तो देखो ओल्ड ब्रिक्स हैं. ओल्ड ब्रिक्स कितने रुपए की हैं? 1,200 रुपए में कितनी आ रही हैं ये? 1,000. ठीक है 1,200 रुपए में 1,000. अब ये न्यू ब्रिक्स. अब जो नई ईंटें हैं जो ईटापुर से आई हैं वो कितने हैं? 1,800 रुपए में कितनी आ रही हैं फिर वो? 1,000. फिर न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. ब्रिकाबाद से जो ईंटें आ रही हैं वो 2,000 रुपए में कितनी आ रही हैं? 1,000. ओके भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. भजन ने ये डिसाइड किया इन तीनों ईंटों को देखने के बाद कि वो कौन सी ईंटें खरीदेगा. ब्रिकाबाद की ईंटों को वो खरीदेगा. He bought 3,000 bricks. अब वो बोल रहे हैं कि वो कितनी ईंटें खरीदेगा टोटल 3,000 मतलब वो 3,000 ईंटें खरीदेगा. तो 2,000 रुपये की 1,000 आ रही हैं तो 3,000 ईंटें कितने रुपए की आएंगी? 6,000 की. सिंपल है 6,000 की. 6,000 क्या? 6,000 नहीं 6,000 का यूनिट क्या होगा ये? क्या है ये 6,000 रुपए है कि ईंटें हैं कि क्या है? रुपए नहीं. हाउ मच डिड ही पे? हाँ 6,000 रुपीज. ठीक है ये होता है रुपीज का साइन. गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स. अब वो बोल रहे हैं कि ले तो वो इनको रहा है लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर वो 500 पुरानी ईंटें खरीदे. अब 1,000 पुरानी ईंटें कितने की आई हैं? 1,200 की. तो 500 कितने की आएंगी? 1,200 का आधा 600. ठीक है 600 क्या रुपए? ठीक है क्लियर है? यस सर.